नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पॉलिटी वर्ल्ड थ्री सिक्सटी चैनल में आज हम संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा राजस्थान के कितने व्यक्तियों ने संविधान निर्माण में भाग लिया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की विभिन्न गाइडों में राजस्थान के सदस्यों की संख्या संविधान सभा में अलग अलग दी हुई है किसी गाइड में ग्यारह सदस्य बता रखे हैं किसी में बारह सदस्य बता रहे कि किसी में तेरह सदस्य किसी में पंद्रह सदस्य बता रखे हैं तो आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो पुस्तक है उसके आधिकारिक रूप से उसके अंदर कितने सदस्य बता रखे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं इसके अलावा राजस्थान में कौन से चित्रकार जिसने संविधान सभा में जो बाईस चित्र संविधान की पुस्तक पर बनाए गए थे उसमें अपना योगदान दिया यह प्रश्न भी हाल में आया आया हुआ है इसके अलावा संविधान सभा जो मूल पुस्तक है उस पर सबसे पहले किस राजस्थानी ने हस्ताक्षर किए इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रति है उस पर सबसे पहले किस राजस्थानी ने हस्ताक्षर किए ऐसे प्रश्न है वो राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में आते रहते हैं राजस्थान से भेजे गए सदस्यों के अलावा भी राजस्थान के कई मूल निवासी जो बाहर के राज्यों से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे वे हैं प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जो पश्चिम बंगाल से चुनकर पहुँचे थे बनारसी दास जोनोवाला जो बिहार से चुनकर पहुँचे थे पदमपत सिंगानिया जो उत्तर प्रदेश से चुनकर संविधान सभा में पहुँचे थे इसके अलावा भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य पहुँचे वो भी हम देख लेते हैं तो संविधान सभा की पहली आधिकारिक रूप से मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की संविधान सभा का गठन तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया संविधान सभा का गठन अक्टूबर नवंबर 1946 में किया गया जिसके चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे और उनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई उसके बाद में स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तीसरी बैठक की अध्यक्षता की 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और 26 नवंबर उन्नीस उनचास को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया सन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ये तो बेसिक जानकारी हुई अब हम देख लेते हैं कि संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत जो अजमेर और मेरवाड़ है और रियासतों से कितने सदस्य शामिल हुए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवार से के लाल वर्मा उदयपुर से जयनारायण व्यास जोधपुर से बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से रामचंद्र उपाध्याय अलवर से दलेल सिंह कोटा से गोकुललाल असावा शाहपुरा से जसवंत सिंह बिकानेर से राज बहादुर भरतपुर से हीराल जयपुर से सरदार सिंह खेतड़ी से इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी थे चार वो भी संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों की तरफ से भेजे गए थे सर वी माचारी जयपुर जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी सदस्य थे सी एस वेक्टाचारी जोधपुर सरदार के एम पन्नीकर बिकानेर सर टी विद्या राघवाचारी उदयपुर से भेजे गए संविधान सभा की मूल प्रति में जो बाईस चित्र बने थे जिनका निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था उसका सहयोग राजस्थान के चित्रकार करपाल सिंह शेखावत ने भी किया यह प्रश्न हाल ही की पीछे जो परीक्षा हुई उसमें आया था कि राजस्थान के किस चित्रकार ने भारतीय संविधान सभा की मूल प्रति में जो चित्र बने हैं उनमें अपना योगदान दिया तो संविधान सभा के सदस्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं मुकुट लाल बार्गव का जन्म तीस जनवरी उन्नीस में उदयपुर रियासत में हुआ ये वकील थे सत्याग्रह छोटे आंदोलन के, के दौरान जेल गए यह अजमेर मेरवाड़ प्रांत से प्रतिनिधित्व हुआ स्वतंत्रता के बाद भी तीन बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे फिर माणिक के लाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ इन्होंने पंचिड़ा गीत गाया ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे वर्मा जी को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया इसके बाद में जयनारायण व्यास का जन्म जोधपुर में हुआ इन्होंने तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक व खड्ड भारत के प्रशासक रहे ये दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और ये मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारने वाले भी पहले व्यक्ति थे यह जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे इसके बाद बलवंत सिंह मेहता ये बलवंत सिंह मेहता के बारे में प्रश्न लगभग परीक्षा में पहुंचा पूछा जाता है कि ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे ये उदयपुर की तरफ से संविधान सभा में गए इसके बाद में यह रामचंद्र उपाध्याय रामचंद्र उपाध्याय राम अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पेशे से वकील थे दलेल सिंह कोटा की तरफ से संविधान सभा में गए थे इन्होंने संविधान की प्रति पर सबसे पहले राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर किए मूल संविधान पर राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने किए और संविधान की प्रति पर सबसे पहले हस्ताक्षर दलेल सिंह कोटा ने किए इसके अलावा गोकुललाल असावा का जन्म भीलवाड़ा शाहपुरा में हुआ और वहीं से संविधान सभा के प्रतिनिधि बनकर गए जसवंत सिंह बीकानेर से संविधान सभा के प्रतिनिधि बन के गए ये बाद में राज्यसभा के सदस्य भी रहे बहादुर भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और नेपाल में राजदूत भी रहे हीराल शास्त्री राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो जयपुर की तरफ से संविधान सभा में गए और उन्होंने जीवन कुटुर नामक वनस्थली ग्राम में एक संस्था का निर्माण किया सरदार सिंह खेतड़ी से संविधान सभा के सदस्य थे सर वी टी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत के दीवान थे ये मूलतः तमिलनाडु के थे इन्होंने प्रारूप समिति में अपनी जगह बनाई और ये उन्नीस में राज्यसभा के लिए भी चुने गए सी एस वेक्टाचारी थे ये कर्नाटक के रहने वाले थे और ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे जो एक आई सी एस अधिकारी थे सरदार के एम पन्नीकर केरल के रहने वाले थे और ये बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री थे और बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने संविधान सो, सभा में भाग लिया बाद में ये चीन मिस्र और फ्रांस के राजदूत वीरे सर टी विजय राघव ये तमिलनाडु के थे मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों ने संविधान सभा में भाग लिया राजस्थान में कुल पंद्रह व्यक्तियों ने संविधान सभा में भाग लिया और तीन जो राजस्थानी मूल के व्यक्ति हैं उनको जोड़ लें तो कुल अट्ठारह व्यक्तियों ने भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा में भाग लिया इसके अलावा करपाल सिंह शेखावत चित्रकार ने भी भारतीय संविधान की जो मूल है पुस्तक है उसमें चित्र बनाने में अपना योगदान दिया आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद